हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। देखिए, आज के वीडियो में एसएससी सीजीएल 2021 में क्या कट ऑफ जा सकती है प्रीलिम्स की, ठीक है, वो देखेंगे। आंसर की आ चुकी है। इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो डिफरेंट शिफ्ट्स में, मल्टीपल शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ, पेपर का लेवल काफ़ी ज़्यादा हद तक चेंज हुआ। कुछ क्वेश्चंस बहुत नए थे, डिफरेंट थे, कुछ चीज़ें उनमें चेंज हुई। जीएस का करंट अफेयर की बात करें तो बहुत हद तक पैटर्न चेंज हुआ। मार्क्स को जो डिक्रीज और इंक्रीज करता है वो जीएस है मेन। अगर इजी या मैथ आता है, जिनकी प्रैक्टिस है उनके लिए मैथ इजी रहता है, बाकी जीएस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एक एक चीज़ की डिटेल में, किस शिफ्ट में कितने मार्क्स का इंक्रीमेंट हो सकता है, क्या कट ऑफ जा सकती है, ये सारी चीज़ें कुछ पैरामीटर बेस्ड मैंने खुद की रिसर्च से लिए, तो आप उन्हें समझ सकते हो मेरे साथ और उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर वो चीज़ें सही लगे, क्योंकि मेंस की भी मैं आपको एनालिसिस और फाइनल कट ऑफ की भी दूंगा। तो मेरे साथ चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पहली शिफ्ट हुई थी वो 11 अप्रैल को हुई थी। फर्स्ट शिफ्ट में जो मार्क्स बढ़ सकते हैं आपके, 13 नंबर से 15 नंबर तक का इंक्रीमेंट आपको देखने को ज़रूर मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इस शिफ्ट में जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन एवरेज रहा है वो थोड़ा सा कम रहा है कंपेयर टू दी अदर शिफ्ट, ठीक है। अब मैं बात करूँ सेकेंड शिफ्ट की। सेकेंड शिफ्ट में आपका इंक्रीमेंट जो हो सकता है वो हो सकता है 14-16 मार्क्स का। थर्ड शिफ्ट में हो सकता है 14-16। बोथ द शिफ्ट आर ऑफ इक्वल नेचर इन टफनेस। जो दोनों शिफ्ट थी वो दोनों बराबर ही थी। 12 अप्रैल की अगर मैं बात करूँ गाइज, तो देखिए 12 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में आपके 6 से 8 ही बढ़ेंगे। जिनका स्कोर काफ़ी ज़्यादा है 12 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में, वो जानते होंगे काफ़ी ईजी शिफ्ट थी ये। सेकेंड शिफ्ट इज़ द टफेस्ट शिफ्ट टिल नाउ। जो मेरे पास डाटा है, जो हमने रिसर्च करी है, उसके बेसिस पर 19 से 23 नंबर आपके डेफिनेटली यहाँ इंक्रीज देखने को मिलेगा। मैंने जो नॉर्मलाइजेशन करी थी, जो नॉर्मलाइज स्कोर सीजीएल 19 मेंस में निकाला था, वही फार्मूला दोबारा अप्लाई करके मल्टीपल शिफ्ट की स्टैंडर्ड डेविएशन को चेक करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। थर्ड में 18 से 22 नंबर बढ़ सकते हैं। और 13 अप्रैल पर अगर मैं आऊँ, 13 अप्रैल में फिर से फर्स्ट शिफ्ट, ऐसा देखा गया कि फर्स्ट शिफ्ट लगभग सारे उनकी ईजी आई है। सेकेंड में देखोगे 12 से 14, थर्ड में 10 से 11, ये इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा 13 अप्रैल वालों। 18 अप्रैल की अगर मैं बात करूँ, सबसे ईजी शिफ्ट थी फर्स्ट शिफ्ट 18 अप्रैल। यहाँ पर आपके नंबर घट भी सकते हैं या फिर कोई इंक्रीमेंट नहीं भी देखने को मिल सकता है। सेकंड शिफ्ट में फिर से 12-15 नंबर, 13-15, थर्ड में भी 15-17। अब मैं अगर बात करूँ 19 अप्रैल की शिफ्ट की, उसमें पहली शिफ्ट में 13 से 15 बढ़ सकते हैं, दूसरी में 11 से 14 बढ़ सकते हैं, तीसरी शिफ्ट में गाइज आपके जो थर्ड शिफ्ट है उसमें 12 से 14। 19 अप्रैल को लगभग एक जैसा पेपर आया था जिसकी वजह से ये हमें पैटर्न देखने को मिलेगा। 20 अप्रैल की गाइज मैं बात करूँ, 20 अप्रैल को पहला शिफ्ट 13 से 15, दूसरा शिफ्ट थोड़ा टफ था तो 16 से 19, तीसरा शिफ्ट में आपके 15 से 17। ये इंक्रीमेंट जो है, जो आपका होना है, वो मेरे नॉर्मलाइज्ड बेस्ड जो फॉर्मूला है उसके बेसिस पर है। 21 अप्रैल ये जो लास्ट शिफ्ट थी इसमें आपका इंक्रीमेंट बहुत कम देखने को मिलेगा। इस शिफ्ट में ऑलमोस्ट बैलेंस्ड रहने वाला है स्कोर। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये शिफ्ट वाइज डाटा है, दो शिफ्ट जो कि पहली 18 अप्रैल थी जिसमें बहुत ईजी पेपर था, और 12 अप्रैल सेकेंड जो टफेस्ट थी, इनमें आपको देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा डिफरेंस। तो यहाँ से जो मेरा हमारा जो एसएससी का फॉर्मूला है, एमआईजे आप देख सकते हो, नॉर्मलाइज मार्क जो आने हैं आपके, जो मैंने बताए इतने मार्क्स का इंक्रीमेंट हो सकता है, एवरेज मार्क टॉप 0.1% का जो कि हमारा 190 के आसपास रहा है, और एमआईक्यू जो एमजीक्यू है, सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने जो निकाला वो ऑल शिफ्ट का, और फिर 0.1% उसी एवरेज मार्क टॉप 0.1% उनको निकाल के और उन दोनों का सम करके आपको एमआईक्यू इन फॉर्मूले में मैंने सारा डाटा डाल दिया एक्सेल के अंदर। ये जो फिर उसके बाद आपको वेरिएशन दिख रहा है किस मार्क्स, किस शिफ्ट में कितने मार्क्स इंक्रीज होंगे, ये उसी बेसिस पर है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बात करते हैं मेजर पोर्शन की, कट ऑफ की। देखिए गाइज, जो एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ रहेगी, जो हमारी रिसर्च ट्रेंड रहा है उसके बेसिस के अंदर आपकी वैकेंसीज थी और जो कैंडिडेट सेलेक्टेड थे उसके बाद कट ऑफ जो गई थी, और 2020 में जो वैकेंसीज हैं और कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए,
ये 2020 की जो मेरी एनालिसिस है उस पर मैंने ये बताया था कि 20,400 सेलेक्ट होंगे, 128 मार्क्स तक कट ऑफ जाएगी, 132 मार्क्स कट ऑफ गई थी, ठीक है। 20,572 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया था, बिल्कुल क्लोज हम पहुँचे थे, ठीक है, और कट ऑफ के भी बिल्कुल क्लोज थे। बात करें 21 की, 21 में अभी आपको मैं वैकेंसीज भी दिखाऊंगा, कितनी वैकेंसीज जो है वो आपकी 21 में हमारे पास आ चुकी है, और 21 के अंदर 2021 के अंदर लगभग हमें एक्सपेक्टेड है, जो मैंने ये प्लस और स्टार लगाया है इसका मतलब ये है कि टेंटेटिव, ठीक है, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, टेंटेटिव एक्सपेक्टेड वैकेंसीज हैं ये, तो ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतनी वैकेंसीज आपकी रहेगी। तो 2000 लगभग वैकेंसीज होंगी जनरल कैंडिडेट की, टोटल वैकेंसीज की मैं बात कर रहा हूँ, कंसीडर कर रहा हूँ, सबसे कम इस बार सीजीएल 21 में अब तक की है। तो नॉर्मलाइज स्कोर जो कट ऑफ रहेगी इसलिए 124 से 126 रहेगी। वरना एक चीज़ बता दूँ आपको, जो मेजर डाटा है 20,000 के आसपास अगर कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, जैसा देखते हुए आ रहे हैं हम कि ये कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं जनरल के, तो अगर इतने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए गाइस 20,000, तो इतने लगभग कैंडिडेट 124-26 पर हैं 101% जनरल के, तो कट ऑफ यहीं रहने वाली है। ओबीसी की बात करूं तो जब 19 में वैकेंसी इतनी थी तो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, देखिए जनरल से ज़्यादा, वैकेंसीज कम कैंडिडेट ज़्यादा, ऐसे ही सेम यहाँ हुआ। तो यहाँ भी यही चीज़ देखने को मिलेगी 2021 में भी, जनरल से ज़्यादा यानी 30,000, तो इसलिए कट ऑफ थोड़ी कम हो जाएगी, जब मोर द नंबर ऑफ कैंडिडेट लेस द कट ऑफ, ठीक है, जो कट ऑफ स्कोर है वो कम हो जाएगा आपका। अब बात करूं मैं EWS में, सेम पैटर्न EWS में देखने को मिला था, 15,000 फिर 13,700, इस बार भी कुछ यही कैंडिडेट देखने को मिलेंगे 600 सीट पर 11,000-12,000 के लगभग, और कट ऑफ जाएगी 104 से 106 नंबर, ठीक है। ऐसे ही SC कैटेगरी में कट ऑफ जा सकती है आपकी एक्सपेक्टेड 96 से 98, 96 to 98, 900 के लगभग सीट रह सकती है, 400 के लगभग ST कैटेगरी में रह सकती है, 89 to 90 कट ऑफ रह सकती है, जो मैंने आपको बताया। तो ये तीन चीज़ें आपको समझा दी, रिसर्च ट्रेंड और नॉर्मलाइज स्कोर जो रहेगा। बात करूं वैकेंसीज की, लेटेस्ट जो रिप्लाई हमारे साथ शेयर किया गया है CGL 21 में, वैकेंसी पोजीशन जो MEIT मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी में रिपोर्ट हुई है ASO की 2021 ईयर के लिए, वो टोटल 10 वैकेंसीज हुई हैं, तो आप देख सकते हो ये वैकेंसी 2021 की है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इसी चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको जितनी भी वैकेंसी अपडेट है मिल सके यहाँ पर। आगे बात करता हूँ सीजीएल 21 की जो कंबाइंड वैकेंसी लिस्ट है, मैंने पहले भी दिखाई थी आपको, ये वैकेंसीज हैं जो अब तक की आ चुकी है टोटल 4500 के अप्रोक्स, इनका लगभग 7,000 या 6,500 से आसपास यहाँ रहने की उम्मीद है, तो ये उम्मीद है यहाँ इसके आसपास रहेगी, तो 2000 के करीब तो जनरल आएगी 2000 से ऊपर ही रहेगी, उसके बेस पे भी मैं कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। अगर हमारे पास वैकेंसी होती तो डेफिनेटली बहुत ईजी होता इसको प्रेडिक्ट करना। ASO रेलवे, ASO CSS, EOED और इंस्पेक्टर नारकोटिक्स, इसमें से दो RTA रिजेक्ट हो गई है, AOED और CSS, जैसे ही दोबारा लगाइए, जैसे ही रिप्लाई आएगा, जैसे ही कंपाइल्ड हो जाएंगे आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल जो है ऊपर आप देख सकते हो लिखा हुआ SSC Core 123 यहाँ पर, ठीक है। आगे बात करता हूँ पासपोर्ट की, कंसुलर पासपोर्ट में कितनी वैकेंसी रिपोर्ट हुई है वो भी आप देख सकते हो, अब तक 59 वैकेंसीज रिपोर्ट हो गई है। आगे बात करता हूँ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के अंदर आप देखोगे जो 355 वैकेंसीज हैं, कुछ रीसेंट ईयर्स में 2019-20-21 में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं ये आपकी, और वो भी चंडीगढ़ जोन के अंदर है, 58 अब तक की सबसे ज़्यादा चंडीगढ़ में, उसके बाद मुंबई में। तो आगे बात करता हूँ मैं इनकम टैक्स TA की, इनकम टैक्स TA में भी 2021 में 91 वैकेंसीज हैं, 18 वैकेंसी जनरल की है, और चंडीगढ़ में भी 127 और 159 कोलकाता, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है जो इन स्टेट्स से, अगर उनको होम टाउन टारगेट है। तो बात करूं मैं इस चीज़ की कि रिग्रेशन टेक्निक मैंने क्यों नहीं लगाई, मैथमेटिकल मॉडलिंग मैंने क्यों नहीं लगाई, फॉरकास्टिंग के लिए प्रिडिक्टिव एनालिसिस मैंने क्यों नहीं करी। ये प्रिडिक्टिव एनालिसिस गाइस क्या है कि इसमें मैं डेटा फीड करूंगा, फार्मूला मेरे पास है गॉसियन का, जिससे कि मैं आपकी एक रैंक प्रिडिक्शन दे दूंगा। ये इसलिए नहीं लगाई क्योंकि जब रिजल्ट आ जाएगा आपका उसके बाद मैं रैंक की ये चीज़ कर सकता हूँ, मुझे कुछ पैरामीटर्स चाहिए, वो पैरामीटर अगर मुझे मिलते हैं तभी ये चीज़ पॉसिबल है, वो पैरामीटर अभी नहीं है। मतलब एक डेंसिटी मुझे पता होनी चाहिए, एक डेंसिटी का आइडिया होना चाहिए, जैसे ही वो लगेगा रिजल्ट के बाद तुरंत ही रैंक शेयर कर दूंगा, बिकॉज अब CGL में रैंक डिक्लेयर नहीं होती है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि SSC Core कहाँ पर आपके लिए हेल्पफुल है। आगे चलते हैं एनालिसिस के लिए, वेरियस ग्रुप है, SSC Core 1, 2, 3 तो है ही, जाके टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, और इंस्टाग्राम पर भी हम लोग आ चुके हैं, SSC Core Instagram, यहाँ पर आप पर्सनल क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट।